दोस्तों आज की कहानी है, भाभी आपने साबूदाने में नमक की जगह मीठा सोडा डाल दिया है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बर्बादियों का संग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। मैं जिंदगी जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। मैं जिंदगी गम और खुशी में फर्क न महसूस ओ, जहां मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। मैं जिंदगी अजी बस भी करो, सालों से आपका ये गाना सुनती आई हूँ। तभी तो जीवन में कोई तरक्की नहीं कर पाए। देखो बिंदु, तुम हमेशा गलत ही सोचती आई हो। एक बार इस गाने का अर्थ दिल से समझोगी ना, बस बस लंबे लंबे हाथ जोड़ती हूँ आपको। प्लीज इसका अर्थ मत बताने लगना। अब तो स्थिति ये है कि मंदिर में खड़े होने पर हनुमान चालीसा की जगह कई बार ये गाना मुँह से निकल आता है। जीना इसी का नाम है प्रियवर, खुद खुश रहो और अपने आस पास भी सबको खुश रखो। पता नहीं जी खुशी किस में है, मैं तो हर एक को खुश कर करके थक गई। पर आज तक आपकी मम्मी जी को ही खुश न कर पाई। हाँ लेकिन अब सोचा है खुद को खुश रखूंगी। हो सकता है आपकी माता जी और आप मुझे खुश देख जलने लगो और मेरी खुशी दुगनी हो जाए। ततास्तु, जो जीना जानते है मैडम जी वो किसी भी चीज में खुशी ढूंढ लेते हैं। बस अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है और खुशी आपके चारों तरफ फैली हुई मिलेगी। देखो तो सासू माँ कूड़ कूड़ा रही थी, बच्चे बड़े हो गए पर कोई लोक लाज नहीं ऐसे सेड़ा खानी करते हैं जैसे अभी शादी हुई हो। अगले दिन पति देव की बात को गहराई से लेते हुए बिंदु जी ने खुद को बदलने का फैसला कर ही लिया। सुनो जी, मैंने किटी ज्वाइन कर ली है, आज पहली गेट टुगेदर है। प्लीज मेरी खुशी में शरीक हो, मुझे नए फैशन के सूट दिला लाओ। दिमाग खराब है तुम्हारा, इतने सालों बाद माँ के सामने फिर। हंसते हुए पति देव ने कहा, हाँ तुम्हें नहीं रोकूंगा, जाओ बिंदु बेटे को ले जाओ और जी लो अपनी जिंदगी अपने मुताबिक। बिंदु जी सूट ले आई और पहन जाने लगी तो सासू माँ से बोली, माफ कीजिएगा अम्मा, बहुत साल इंतजार किया, सोचा था आपके सामने नहीं पहनूंगी, पर क्या करूं,
उस पर किसी का वस थोड़े सलता है। सासू माँ देखते ही बोली, हाँ समझती हूँ, तुम ये ही तो कहना चाहती थी कि इतने साल इंतजार किया पर आप तो जीवित ही बैठी हो। अब मुझसे कंट्रोल नहीं होता, पर ये मत सोचना तेरे तानों से मैं जल्दी मर जाऊंगी, यहीं बैठ साथी और मूंग दलूंगी। और सुन, बीस में बेटा आ बोला, और सुन मेरी उम्र 125 साल बताई हुई है। पता है हमें माँ 50 साल से सुन रहा हूँ यही डायलॉग, हाँ सुनेगा ही जोरू का गुलाम जो है, बस हर बात को हंसी में उड़ाता रहता है। तो क्या गलत है माँ, तुम भी तो उससे लड़ फिर बोल लेती हो, हर समय लड़ने के बाद भी मुझे सुनाते वक्त दोनों के विचार मिल जाते हैं। अच्छा है माँ, अपने आस पास की खुशी को ऐसे ही समेट कर रखो, हम सब साथ हैं, एक हैं, तभी तो सारों तरफ खुशियाँ हैं। सब ठीक है बेटा, पर आज उसका सूट में जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बदलो माँ अपने विचारों को, पर अब बिंदु में नित नए परिवर्तन देख सासू माँ का जी हकीकत में जलने लगा। बुढ़ापे में ये बदलाव शोभा नहीं देते, सासू माँ ने कहा, तो अपनी जिंदगी अपनी खुशी के लिए कब जीऊं? अम्मा पहले घर की फिर बच्चों की सब जिम्मेदारी अदा की, मुझे भी तो खुश रहने का अधिकार है। कर ले मुझे बुढ़िया को परेशान, देखियो आत्मा दुखाएगी तो मरने के बाद भी सैन से नहीं रहने दूंगी, यही तेरी खुशियों के आस पास घूमती रहूंगी। आज भी बिंदु नए तरीके के कपड़े पहन चली गई, सासू माँ तिरसी नजरों से देखती रही, बहू जानती थी कि वो नाराज हैं, उन्हें बिंदु का सूट पहनना कतई पसंद नहीं, पर वो मुस्कुरा कर ये सोच कर सल दी कि हमेशा की तरह आकर मना लूंगी। बिंदु सली तो गई, पर आज मन कुछ बेसैन सा था, सोसा पार्टी से जल्दी निकल लूंगी। देखा तो बेटा बाहर खड़ा, फोन कर माँ को बाहर बुला रहा था, बिना कुछ पूछे घबराती कार में बैठ गई। क्या हुआ मुकुल, माँ दादी क्या हुआ, अम्मा को बताना, ये कहाँ ले जा रहा है मुझे। कार हॉस्पिटल के बाहर रुकी, वहाँ बड़ा बेटा पति ननद सब पहले से मौजूद थे। अंदर जा देखा तो अम्मा बिंदु जोर जोर से रोने लगी, क्या हुआ अम्मा, इतनी नाराज हो गई मुझसे, उठो अम्मा अब मैं कभी सूट नहीं पहनूंगी, एक मौका दो तुम्हें मनाने का। पता चला अटैक आया था, हॉस्पिटल आने तक बात करती रही, मुआ कोई पाखंडी होगा, 125 साल उम्र बता गया था, झूठ बोल पैसा ठग ले गया, लगता है बिंदु से नहीं मिल
पाऊंगी। बहुत अच्छी लगती है, सूट में जलन होती है उसे देख की। मेरी बहू मुझसे सुंदर कैसे, और जोर जोर से हंसने लगी। सब ने समझाया मत बोलो अम्मा, तो बोली कहने दे, दिल को सुकून मिल रहा है। तुम्हारे बाऊजी कह गए थे खुशी खुशी मेरे पास आना, बेटा मैं चली जाऊं। तो गम मत करना, बच्चे दुखी हो तो बिंदु को अपने पसंदीदा गाने की वो लाइन सुनाना, और बसकानी हरकते कर खुश रहना। जो मिल गया उसी को मुकदर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको बुलाता सला गया। मैं जिंदगी गम और खुशी में फर्क न महसूस हो, जहां मैं दिल को उस मुकाम पे लाता सला गया। हाँ उससे कहना मरे बाद भी उसे मुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा, इतना कह हंसते हंसते माँ ने अंतिम सांस ली। दिन बीतने लगे, गरुड़ पुराण को सुनते आज सातवां दिन था। बिंदु पानी गर्म कर रही थी कि इतने में गैस पर रखा पानी जोर जोर से हिलने लगा। उसको सासू माँ के शब्द याद आए, मरने के बाद भी पिसा नहीं छोड़ूंगी। सोच खत्म हुई ही थी कि गरुड़ पुराण के वाक्य इंसान मरने के बाद इतनी जल्दी घर परिवार से मोह नहीं छोड़ पाता। कहते हैं बारह दिन इसीलिए बनाए गए हैं, जाने वाले की आत्मा घर के आस पास होती है। बस घबरा कर जब उसने पति देव को बताया तो वो हंस बोले, तुमसे नाराज थी ना माँ, सस में वापिस आ गई पता सला। जब वो पानी गर्म कर रही थी तो भूकंप आया था, बिंदु को ध्यान आया। अम्मा कह गई थी मेरे आने में खुशी ढूंढना, माँ की हर बात सब के दिल में थी। दिन बीत गए, बिंदु सामान्य हो गई थी, पर मन में था कि बेशक भूकंप आया था पर अम्मा भी आई थी। आज अम्मा के नाम की पहली एकादशी सब ने रखी, खुशी खुशी गई थी, इसलिए सब उनके जिंदा दिल स्वभाव को याद करते। बिंदु ने जैसे ही प्रसाद का साबूदाना बनाया वो बिल्कुल लाल हो गया, इतना लाल जितना खून। वो घबरा गई, उसे लगा अम्मा नाराज हैं, कोपते बनाई वो भी बिखर गए। घबराते हुए पति देव के पास गई, सुनो जी मुझे लगता है हम से कोई भूल हुई है या कुछ तो है। पहली एकादशी और कह घबरा गई, उसे लगा अम्मा नाराज हैं, हमारे बने प्रसाद का भोग नहीं लगाना चाहती। आज का सारा दिन तनाव में बीत गया। शाम को उसने सब किस्सा अपनी ननद को बताया तो वो बोली, हाँ भाभी सस ये तो कोई प्रकोप है, अम्मा नाराज हैं, वो आपके हाथ से कुछ नहीं खाना चाहती। कहती थी मरने के बाद भी पिसा नहीं छोड़ूंगी, लगता है अम्मा आ गई, आपसे जरूर कोई भूल हुई है।
ननद की बातों से बिंदु की सांस अटक रही थी। अब वो जोर से हंस कर बोली, जैसा सोसोगी वैसा ही होता सला जाएगा। माँ कहती थी ना, मैं जब भी आऊंगी मेरी मौजूदगी में खुशी ढूंढना। भाभी आपने साबूदाने में क्या डाला? कुछ नहीं दी, बस सेंधा नमक और हल्दी। नहीं भाभी और भी कुछ सस में, बस यही। आप लेकर आओ नमक, आपने कुछ और डाला है। बिंदु बड़े विश्वास से पैकेट लाई। पति देव और ननद रानी का हंस हंस कर बुरा हाल था। भाभी आपने नमक की जगह मीठा सोडा डाला है, इसीलिए हल्दी और सोडे के कारण साबूदाना खून जैसा लाल हो गया। और कोपते में भी नमक की जगह सोडा, इसलिए वो भी बिखर गए। बिंदु को भी हंसी आ गई। सस कहती थी, अम्मा मेरी मौजूदगी में भी तुम्हें खुशी मिलेगी। सस खुशी तो मन की है, बस उसे महसूस करने की जरूरत है। अम्मा सली गई, पर अपनी इतनी मधुर स्मृतियां देखकर कि उनको याद करने पर स्वत ही खुशी महसूस होती है। सुकून से अपने परिवार के साथ जीवन जीना ही सबसे बड़ी खुशी है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।